नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 जून। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 6500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 187 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 6662 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 4, औरंगाबाद में 7, बांका में 3, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 1, दरभंगा में 15, गया में 6, जमुई में 2, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 2, किशनगंज में 4, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 12, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 3, नवादा में 2, पश्चिम चंपारण में 7, पटना में 1, पूर्वी चंपारण में 12, पूर्णिया में 22, रोहतास में 1, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, शेखपुरा में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 16, सुपौल में 5 और वैशाली में 2 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4226 पर। बिहार में कोविड-19 से प्रभावितों की संख्या जहां एक तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक के जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 127126 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक 6500 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 4226 पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कोविड-19 की वजह से अब तक 38 लोगों की जान भी जा चुकी है। मुंबई के विलय पार्ले में सुशांत सिंह राजपूत को दी गई अंतिम विदाई। मुंबई के विलय पार्ले में सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई दी गई, जहां पर अंतिम समय में उनसे मिलने बॉलीवुड की कई हस्तियां भी देखने को मिली थी। खबरों की माने तो श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, विवेक ओबरॉय समेत कई अभिनेता आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को देखने पहुंचे थे। वहीं उनके पैतृक आवास पूर्णिया में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार में बसे नेपालियों ने भारत नेपाल विवाद पर दी अपनी प्रतिक्रिया। भारत नेपाल के बीच इन दिनों संबंध कुछ खास नहीं है। इसी बीच बिहार के कटिहार जिले में लगभग 100 घरों की आबादी वाले नेपाली समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को चीनी समुदाय से प्रेरित बताया है। गोरखा कॉलोनी के लोगों का इस मामले पर यह मानना है कि भारत और नेपाल के बीच शुरू हुई खटास ने दूरियां और बढ़ा दी है। इसमें रहने वाले लोगों का कहना है कि नेपाल का यह रवैया चीन से प्रभावित है। बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीटों पर होगा चुनाव का आयोजन। बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटें खाली पड़ी हैं और यहां पर 6 जुलाई को मतदान होने का फैसला सुनाया गया है। विधानसभा की इन सीटों के लिए 18 जून से 25 जून तक नामांकन पत्र को भी जारी करने का आदेश दिया गया है। 29 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जाने की अवधि तय की गई है, जिसकी सूचना चुनाव आयोग ने हाल ही में जारी कर दी है। वहीं आयोग के अवर सचिव पवन दीवान ने कहा है कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित करवाया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे नामांकन पत्रों की गिनती की जाएगी। 8 जुलाई तक चुनावी संबंधी पूरी प्रतिक्रिया पूरी कर ली जाएगी। SLBC की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायतों में भी शाखा खोलने का जारी किया आदेश। निर्धारित SLBC की बैठक बीते दिन आयोजित करवाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायतों में भी शाखा खोलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को सुविधा के अनुसार लोन दिया जा सके, ताकि रोजगार के अवसर मिलने में और ज्यादा आसानी हो। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैंकों को 1.45 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव ने फिर पूछा नीतीश कुमार से सवाल। पूछ रहा है सारा बिहार, कहां छुपे हैं नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में बिहार में राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच में बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन पोस्टर का खेल एक बार फिर से बिहार की सड़कों पर देखने को मिला, जहां पर राजद पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी करके कहा गया है, बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए कि वह 91 दिनों से कहां गायब है। इन पोस्टर को हर ब्लॉक में लगाया जाएगा, जहां जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 91 दिनों तक गायब रहने का जवाब मांगेगी। आखिरकार राजधानी पटना में देखने को मिली मॉनसून की पहली बारिश। बीते दिन राजधानी पटना में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान से एक दिन पहले ही मॉनसून पटना में देखने को मिली। वहीं मॉनसून की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं तेज बारिश से कई जगह पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न देखने को मिली। इससे पहले बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में भी बारिश दिखी थी। मौसम विभाग की माने तो सबसे ज्यादा बहादुरगंज में 44 mm बारिश दर्ज की गई थी और मधेपुरा में 30 mm बारिश हुई है। बीते दिन हुई बारिश कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों के लिए भी काफी लाभदायक साबित होने वाली है।
बिहार में बीते दिन से बंद हो गया ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर। बिहार में सभी क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य में ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जो कि बीते दिन से बंद हो गए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि बिहार में कुल मिलाकर 904 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। भाजपा नेता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव के बयान को बताया सुर्खियां बटोरने का एक जरिया। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बीते दिन कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अपने आवास से नहीं निकल रहे हो, मगर वह पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। वो 24 घंटे बिहार में कोविड-19 की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाहर से बिहार आए सभी प्रवासियों की जांच करवाई गई है, उन्हें क्वारंटाइन में रखने की समुचित व्यवस्था की गई है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां पर हाउस होल्ड स्क्रीनिंग की गई है। इसके साथ ही बिहार में 51% रिकवरी रेट है। उसके बाद भी तेजस्वी यादव का यह बयान सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है। CBSE ने जारी किया नया एडमिट कार्ड। कोविड-19 की वजह से जिन परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया था, उनको दोबारा से आयोजित करवाने का फैसला सुना दिया गया था, जिसके तहत अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए दोबारा एडमिट कार्ड जारी करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो CBSE ने कहा है कि 16 जून के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जो कि सभी परीक्षार्थियों को उनके स्कूल से मिलेगा। CBSE ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका एडमिट कार्ड होम सेंटर वाले और अपने जिले में केंद्र बदलने वाले दोनों ही परीक्षार्थियों को उनके स्कूल से आसानी से जाएगा। जीतन राम मांझी ने राजद को सौंपा अल्टीमेटम। हम प्रमुख जीतन राम मांझी इन दिनों बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने राजद को अपना अल्टीमेटम सौंप दिया है। खबरों की माने तो जीतन राम मांझी ने राजद के सामने 25 जून तक का समय रखा है कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करवाने के लिए। अगर 25 जून तक राजद अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तो 25 जून के बाद हम पार्टी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। पटना विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए सभी छात्रों को तत्काल प्रमोट करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का भी फैसला किया है, जिससे कि पाठ्यक्रम पूरा होते रहे और सत्र भी कोविड-19 के कारण बंद का कोई प्रभाव ना पड़े। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से इससे पहले जारी किए गए फैसले में अगस्त तक परीक्षा लेने की बात कही गई थी, जिसके बाद सितंबर से फिर से क्लास का आयोजन करवाया जाना था, मगर कोविड-19 के संभावित मामलों को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला सुनाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार को घेरने का किया ऐलान। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां बिहार में जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने के लिए अपनी नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार सरकार को घेरने के लिए किसी भी तरह का विरोध नहीं किया जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से सोई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से मीडिया का संबोधन करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 91 दिनों से घर से बाहर नहीं निकलने पर सवाल उठाया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे 70 घाट पुल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच की दूरी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 70 घाट पुल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, 263.47 करोड़ की लागत से बने 70 घाट पुल बौद्ध परिपथ और राम जानकी मार्ग का अहम हिस्सा है। इससे सारण और तिरहुत प्रमंडल की दूरी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने किया है, जो कि सीधे सीधे तौर पर गोपालगंज के बैकुंठपुर से पूर्वी चंपारण के चकिया को जोड़ रहा है, जिसे सिवान छपरा गोपालगंज होते हुए उत्तर बिहार के कई जिलों से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। बिहार की बेटी को लंदन में मिलेगा जेम्स वॉट पुरस्कार। बिहार के दरभंगा की बेटी मधु माधवी ने विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है, जिसके तहत इस साल 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए मधु का चयन किया गया है, जो कि उन्हें अक्टूबर महीने में लंदन में दिया जाएगा। आपको बता दें, ब्रिटेन के व्यापार, ऊर्जा एवं पर्यावरण नीति विभाग में इस साल से सीनियर पॉलिसी ऑफिसर के रूप में कार्यरत मधु ने कैम्ब्रिज ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डॉक्टरल ट्रेनिंग के अंतर्गत वैश्विक भौगोलिक संदर्भ में ऊर्जा संचालन विषय पर शोध किया था, जिसके बाद लंदन के एक प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। पटना में
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद पर केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अब नए हाथों में सौंप दी गई है। खबरों की माने तो कामरान रिजवी को पटना रेल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, कामरान रिजवी को केंद्र सरकार की तरफ से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कामरान रिजवी यूपी कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी है। वर्तमान में वह केंद्रीय शहरी कार्य एवं आवास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित है। वहीं इसी बीच उन्हें पटना मेट्रो का नया पदभार सौंपा गया है, जिसके बाद अब काम में तेजी आने की संभावना जताई गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों में की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा। COVID-19 के बढ़ते असर के कारण शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं अब दोबारा से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में बीते दिन राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य के कई विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है, जहां पर उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अलग अलग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित करवाकर सितंबर तक उनके परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी विश्वविद्यालय इस साल परीक्षाओं का आयोजन इसी तरीके से करवाएं कि परीक्षा फल का प्रकाशन भी निश्चित समय पर हो जाए और नए सत्र की शुरुआत भी हो जाए। अक्टूबर से पहले पटना वासियों को मिल सकता है जाम से निजात। अक्टूबर महीने से पहले सभी पटना वासियों को जाम से निजात दिलवाने की तैयारी की जा रही है। शहर के बाहर ही एक नया बाईपास बनाने का काम तेजी से हो रहा है, जिसके तहत बेहटा सरमेरा 4 लेन बनाने का काम जोर शोर से जारी है। हालांकि बंद की वजह से काम थोड़ी समय के लिए रोक दिया गया था, मगर अब इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस 4 लेन के बनने के बाद भारी वाहनों को शहर से पहले ही निकलने की सुविधा होगी, जिससे आम लोगों को निजात मिलेगी। संपत्ति के नाम पर एक बार फिर से राजनीति हुई शुरू। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर शुरू हुआ संपत्ति विवाद आज तक जारी है। बीते दिन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा लालू यादव और उनके परिवार पर संपत्ति को लेकर टिप्पणी किए जाने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से जवाब तलब किया गया है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि भाजपा लालू फोबिया से परेशान चल रही है। एक ही संपत्ति को सुशील कुमार मोदी कितनी बार जारी करेंगे, लोगों को अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग तो अब यह जानना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ने 15 साल में क्या काम किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही अहम बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बातों ही बातों में तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि परेशान किसान, बेरोजगार नौजवान, बेहाल है मजदूर, उनके हाल पर छोड़कर देश का एकमात्र मुख्यमंत्री 77,76,000 सेकंड से अपने बंगले में छिपा है। क्या बाकी सब मुख्यमंत्री मदद के लिए बेवजह सड़कों पर है? वह मूर्ख है, बस यही एक अनुशासित है। जदयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव से माफी की मांग। जदयू नेता अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बीते दिन माफी की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस भी भेज दिया है और माफी मांगने की अपील की है। अशोक चौधरी का कहना है कि समाज में मेरी छवि खराब करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने जो हरकत की है, मैं उसके जवाब में नोटिस भेज रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता से या तो माफी मांगे, अन्यथा हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना आता है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने जदयू नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में अशोक चौधरी अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की आई प्रक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए कदमों से पूरा भारत सकते में है। वहीं बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम की जानकारी मिलने के बाद से धोनी काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं, जिसके तहत धोनी के मैनेजर ने बताया है कि हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। मैं इस हालत में नहीं हूं कि किसी तरह से अपने दुख का इजहार कर सकूं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कंगना रनौत और शेखर कपूर ने कही अहम बात। रविवार का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद ही दुख भरा साबित हुआ है, क्योंकि इस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद अब सुशांत सिंह के बचाव में कंगना रनौत और शेखर कपूर सामने आए हैं, जिसके तहत कंगना रनौत ने कहा है कि कोई भी नहीं चाहता था कि सुशांत आगे बढ़े और यही कारण है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उसे बॉयकॉट करने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं शेखर कपूर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत दर्द से गुजर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किस बात की परेशानी थी। वह लोग सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखा रहे थे। काफी बार सुशांत मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए भी थे। काश मैं पिछले 6 महीने में सुशांत से संपर्क बनाकर रह पाता। जियो फाइबर्स के ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री में दिया जाएगा अमेजॉन प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन। जियो फाइबर ने अपने ग्राहकों के लिए फिर से एक बार एक लुभावना ऑफर दिया है, जिसके तहत जियो फाइबर ने अपने सभी ग्राहकों को वादा करते हुए फ्री में अमेजॉन प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान जारी किया है। जियो ने साफ कहा है कि इसके लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब जियो फाइबर के गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान के ग्राहकों को अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसकी अमेजॉन प्राइम वीडियो ने भी ट्वीट कर
जानकारी दी है। आपको बता दें Amazon Prime Video अपने स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। Amazon Prime Video ने अब अपने सभी यूजर्स के लिए फिल्मों को रिलीज करने का काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में Amazon Prime ने गुलाबो सिताबो फिल्म को रिलीज किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजकुमार बॉस, पूजा कुमारी ऑफिशियल, काजल कुमारी, अमरेंद्र सिंह, बबलू श्रीवास्तव, रामलाल कुमार, अंकित मंडल, अभिजीत, बिट्टू कुशवाहा, सुनील कुमार, रविकांत कुमार, विजेंद्र कुमार, संतोष कुमार, गौतम कुमार, उमाकांत सिंह, राजा राम कुमार, ऋषभ कुमार, मदन कुमार, मोहम्मद रियाज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अनलॉक वन लागू होने के बाद आपके इलाके में लोग पहले की तरह ही सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं या फिर लापरवाही बढ़ती जा रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।